हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पार्ट 13 है इस वीडियो का। पार्ट 12 तक मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले। ईजी ट्रिक से हम पढ़ने वाले हैं, टॉप 5 क्वेश्चन है। आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों अक्षरों में विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक ये है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करके बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं करके बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, मैं ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है 139 और 204, 114, 137। तो यहाँ पर देखिएगा क्या ट्रिक लग रही है। सबसे पहले देखिएगा, मैंने 1 और 2 को ऐड किया तो 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आ रहा है इसका मिडिल में 9, तो फर्स्ट एक सा है। सेकंड में देखिएगा, 2 और 0 जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो मिडिल में 4 आ रहा है। फिर इसी तरह देखिएगा, 1 1 जोड़ूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, 1 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि मिडिल में नहीं आ रहा है। तो सबसे अलग हो जाएगा 173, 173, डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को, 138 किया मैंने, 3 आया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। फिर इसी तरह 208 किया मैंने, 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, इसके मिडिल में आ रहा है। फिर 11 को ऐड किया, 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, इसके मिडिल में आ रहा है। और 13 को जोड़ा मैंने, 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि मिडिल में नहीं आ रहा है। तो सबसे अलग यही होगा। इसी तरह से आपको कमेंट करके बताना है, IRSP और GT और KP इसमें से कौन सा सबसे अलग होगा, विषम बताना है। तो आपको मैं हिंट से दे देता हूँ, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट से। यहाँ पर अल्फ़ाबेट से के नंबर देखना, कौन से सेम तीनों एक से हो रहे हैं, कौन से में एक सी ट्रिक लग रही है, उसके बाद जो सबसे अलग होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि एट द रेट का अर्थ माइनस हो और एंड का अर्थ भाग हो और एट द रेट का अर्थ प्लस हो तथा परसेंटेज का अर्थ गुणा हो, तो इसका मान क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा, हमें इसका मान बताना है, 505 एट द एंड 5#4 एट द रेट 220% 5 का मान बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें जो दिया है यहाँ पर #का अर्थ दिया है माइनस, वो लिख लेते हैं हम। #का अर्थ हमें दिया है यहाँ पर माइनस दिया है। फिर एंड का अर्थ दिया है भाग, एंड का अर्थ दिया है हमें भाग। फिर इसके बाद एट द रेट का अर्थ दिया है हमें प्लस, तो एट द रेट का अर्थ दिया है हमें प्लस दिया है। फिर परसेंट का अर्थ दिया है, देखिएगा यहाँ पर हमें गुणा दिया है इसका अर्थ। ये चारों हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हमें 505 एंड 5#4 एट द रेट 20% 5 का मान बताना है, तो हमें इसका मान बताना है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इनके साइन चेंज करेंगे। देखिएगा यहाँ 505 ऐसे ही आ जाएगा। एंड का अर्थ देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, भाग दिया है, तो यहाँ आ जाएगा भाग। फिर इसके बाद है 5, वो ऐसे ही आ जाएगा। #का अर्थ दिया है हमें यहाँ पर देखिएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। फिर 4 ऐसे आ जाएगा। एट द रेट का अर्थ दिया है मैं यहाँ पर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 20 ऐसे ही आ जाएगा। फिर परसेंट का अर्थ दिया है यहाँ पर गुणा, तो ये आ जाएगा गुणा 5, ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं। देखिएगा बोर्ड मास का रूल क्या होता है, BODMAS। B4 होता है हमारा यहाँ पर ब्रेकेट, O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लीकेशन, A4 होता है एडिशन, S4 होता है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, तो ब्रैकेट इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। फिर उसके बाद ऑफ करते हैं, तो ऑफ भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तीसरे नंबर पर हम डिवाइड हल करते हैं, तो डिवाइड देखिएगा यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे हम 505 को, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 101। इससे भाग जाएगी हमारी 101 बार जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ये 4 माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा। प्लस 20 देखिएगा यहाँ, प्लस 20 × 5 है, क्योंकि डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 20 की गुणा 5 में करेंगे तो 100 आ जाएगा, 20 × 5 = 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एडिशन करते हैं, तो एडिशन आ जाएगा हमारा 201 आ जाएगा। फिर माइनस 4 ऐसे आ जाएगा ये, जब 204 एक में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 197। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, दिया गया है 13, 25, 49, 85, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, दिया गया हमें यहाँ पर 13, 25, 49, फिर 85। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी कराए हैं, इसके पार्ट 11 में भी कराए हैं मैंने, पार्ट 12, 10 में भी कराए हैं, पार्ट 12 में भी कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने। इन तीनों पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन की सीरीज लगा कर देखते हैं। तो 25 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन की सीरीज ही लगा के देखते हैं, तो 12 बचेगा यहाँ पर 25 से 13 घटाएंगे तो।
49 से 25 घटाएंगे तो 24 बचेगा, फिर इसी तरह 85 से 49 घटाएंगे तो 36 बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या सीरीज आ रही है, पहले 12 बचा, दो नंबर घटाए तो हमने 25 से 13, फिर 49 से 25 घटाए तो 24 बचा, फिर 85 से 49 घटाया तो 36 बचा, यानी कि 12 के बाद 24 बचा, 24 के बाद 36, तो आप कितना बचना चाहिए, 48 बचना चाहिए। तो यहाँ 48 कब बचेगा, जब मैं इसमें 48 ऐड कर दूंगा, तो 85 में 48 ऐड करने पड़ेंगे मुझे। 85 में 48 ऐड करने पर देखिएगा कितना होगा, 85 में 48 ऐड कर रहा हूँ मैं, तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 133। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो देखिएगा यहाँ पर दिया है आई बी क्यू डी एच एच एक्स डी पी, फिर क्वेश्चन मार गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, अल्फाबेट्स में नंबर हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं, यहाँ पर आई बी क्यू डी एक्स एच डी पी, तो यहाँ देखिएगा आई का नंबर होता है अल्फाबेट्स में 9, बी का होता है 2, क्यू का होता है 17 और डी का होता है 4, और एक्स का होता है 24 और एच का होता है 8, और डी का होता है 4, पी का होता है 16। तो अब इसका आगे देखेंगे क्या ट्रिक लग रही है, वो अब यहाँ हम देखने वाले हैं। 9 से 17 तक देखेंगे कितना ऐड हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर 8 ऐड हो रहा है, फिर 17 से 24 तक देखेंगे तो यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है, फिर 24 से 4 तक देखेंगे तो देखिएगा 6 ऐड हो रहा है, क्योंकि 24 और 2 26 हो जाएगा, 26 के बाद ए बी सी डी 4 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से 6 ऐड हो रहा है। फिर इसके बाद देखिएगा सेकंड में 2 से 4, 4 के लिए कितना ऐड हो रहा है 2, 4 से 8 के लिए कितना ऐड हो रहा है, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 8 से 16 के लिए 8 ऐड हुआ, तो यहाँ देखिएगा 8 के बाद 7 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, तो अब हम कितना ऐड करेंगे, 4 में 5 ऐड कर देंगे, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 होता है हमारा आई का, तो पहला अक्षर हमारा आई आ जाएगा, आंसर या तो ए होगा या फिर सी होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं इसके। फिर देखिएगा यहाँ पर दूसरा अक्षर के लिए देखा बी डी एच पी के लिए मैंने क्या कहा था, 2 8 4 8 ये ऐड हुआ था, अब 8 ऐड करेंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएंगे, 16 में 8 नहीं 16 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 का दुगना 4 जोड़ा, 4 का दुगना 8 जोड़ा, अब 16 जोड़ेंगे, 16 16 हो जाएगा 32। लेकिन अल्फ़ाबेट्स में हमारे 26 अंक होते हैं, 26 तक ए बी सी डी होती है, 26 के बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा, 26 और 6 32 हो जाएगा, 6 बचेगा तो 6 होता है हमारा एफ़ का, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ए आंसर नहीं होगा क्योंकि के के होता है 11 का, तो ए आंसर इसका नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दावली के अनुसार लिखिए, तो यहाँ पर दिया है हमें यूनिफॉर्म और यो दिया है, फिर अम्ब्रेला दिया है और यूनिकॉर्न दिया है, तो इस टाइप से ये चारों दिए हैं हमें, तो अल्फाबेट्स के अनुसार इन्हें हमें क्रम में लगाना है। तो देखिएगा चारों अक्षर के शुरू में यू है, तो यहाँ देखिएगा चारों अक्षर के शुरू में यू है, इसमें भी यू है, यू है, फिर उसके बाद देखिएगा एन है यहाँ पर, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम है, फिर यहाँ पर एन है, इन तीनों अक्षर में इसमें इसमें और इसमें तो एन है हमारा, लेकिन इसमें एम है, तो यही पहला बन जाएगा हमारा, क्योंकि एम का नंबर होता है अल्फ़ाबेट्स में वो 13 होता है और एन का होता है 14, तो 13 पहले आता है, तो इसलिए थर्ड वाला पहला बन जाएगा, सबसे पहले हमारा थर्ड वाला आएगा। तो देखिएगा थर्ड वाला कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए और बी में दे रखा है, या तो आंसर हमारा ए होगा या बी होगा, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हमारे, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, या तो हमारा बी आंसर होगा या फिर ए आंसर होगा। देखिएगा पहले नंबर पे हमारा अम्ब्रेला आ जाएगा, फिर इसके बाद देखिएगा हम थर्ड नंबर देखते हैं, इनका थर्ड है आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, फिर इससे भी नहीं पता चलेगा हमें, फिर फोर्थ नंबर देखेंगे, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर सी है, तो अल्फ़ाबेट्स में सी पहले आता है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका फोर्थ वाला पहले आ जाएगा, यानी कि थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, तो यानी कि देखिएगा यहाँ पर इससे क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा सेकेंड फर्स्ट आएगा, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट के बाद फर्स्ट आएगा, क्योंकि एफ होता है, एफ का 6 होता है, फिर सेकंड का टी, इसलिए लास्ट में चला जाएगा, तो इससे पहला आंसर ही हमारा आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में थर्ड के बाद फोर्थ है, फोर्थ के बाद फर्स्ट है, फिर सेकंड है, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट।